हेलो दोस्तों, की ऑफ एडुकेशन जोन चैनल से आपके फिर से एक बार स्वागत। आज हम बात करेंगे मेजर मिस्टेक्स अबाउट इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। आज के ज़माने में स्मार्टफोन नहीं है और इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, ये तो बहुत ही कम लोग मिल सकते हैं। और ये कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो या कोई भी चीज़, बिना इंटरनेट के यूज़ करना मानो डब्बा समान। तो इसका ही सिक्योरिटी को लेके आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने बातें। एक्चुअली क्या है, हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं कि इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा सिक्योर ना हो तो हमारे सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन या सारे चीज़ें दिक्कत में आ सकते हैं या चोरी हो सकते हैं। तो इसे हम कैसे सेव करें, किस तरीके से इसे हैंडल करें, यही चीज़ें के लेके आज का वीडियो है। तो दोस्तों इसको पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए और पूरा के पूरा जानकारी लीजिए। शुरू करने के पहले फिर से बता देती हूँ कि आफ्टर एंडिंग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए अगर ये हेल्पफुल है तो। और दूसरा चीज़ है, हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, और उसके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस की जानकारी आप तक उसी से ही मिलेंगे। सो शुरू करते हैं। पहला मिस्टेक देखिए, हम जब डिफरेंट वेबसाइट में जाके कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, अपना कोई पे करता मनी ट्रांसफ़र करते हैं, पे करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वहाँ पे दो तरीके का चीज़ें मिलते हैं। ये है HTTP और HTTPS। कोई भी वेबसाइट खोलिए, देखिए आपके एकदम लेफ्ट कॉर्नर में यही चीज़ें मिलेंगे। ये HTTP क्या है ये तो बताना आज के लिए ज़रूरी नहीं है, सबको पता है, नन्हे मुन्ने बच्चों को भी, कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाँ दोस्तों, ये एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है ताकि आप सिक्योर रहें, लेकिन HTTP से भी आप पूरा सिक्योर नहीं हैं। ये HTTPS जो है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हाँ और एक चीज़ है, ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर आप यूज़ कर रहे हैं, इसमें अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, तो वो और भी सिक्योर है। तो दोस्तों कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, या कोई ATM कार्ड का हो, या इंटरनेट बैंकिंग का हो, मनी ट्रांसफ़र हो, तो उसके पहले ज़रूर चेक कीजिए कि ये HTTPS ही हो, ताकि आपके सिक्योरिटी मोर ऑथेंटिक हो। ये हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, बहुत सारे जगह में इसे बिना चेक किए ही ट्रांसफ़र करते हैं, उससे हो सकता है आपका डिटेल हैकिंग। सो बी सिक्योर। तो दोस्तों ये पहले ही इंटरनेट जब भी यूज़ करें, जब हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो बहुत से गलतियां ऐसे करते रहते हैं, ये सारे मिस्टेक्स को लेके ही आज हमारे वीडियोस है। तो ये सारे डिटेल्स आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, दोबारा गलती मत कीजिए। तो अब से जब भी ट्रांसफ़र करें कोई भी मनी, देख लीजिए HTTPS ही होना चाहिए, HTTP हो तो ज़रूर मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपके डेटा सिक्योर नहीं है पूरा, हो सकता है उससे आपका चोरी हो जाए डेटा। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये ज़रूर देखिए। अब आते हैं दूसरा मिस्टेक के बारे में। दूसरा मिस्टेक है फेसबुक गेमिंग। बहुत सारे ऐसे आते हैं कि आप आज के 5 साल बाद कैसे दिखोगे, 10 साल बाद आपका कौन क्रैश होगा, 10 साल बाद आप कितने अमीर हो जाएंगे, आपको कितने लोग प्यार करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम लोग क्या करते हैं, उसी गेम को फेसबुक से क्लिक करते हैं। उसमें वो लोग चाहते हैं ऑथेंटिकेशन, और हम लोग दे भी देते हैं वो ऑथेंटिकेशन, फिर वो गेम होते हैं और हम लोग उससे मज़े से शेयर करते हैं, है ना। लेकिन इसमें हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं,
जब ये ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं उसे पूरा पढ़ के हम नहीं देते हैं, उसमें देखिए उसमें लिखा होता है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कि आपके कॉल्स डिटेल्स, आपके लोकेशंस, आपके वेयर अबाउट्स और आपके डिटेल्स, दैट मीन्स आपके फ़ोटोज़, आपके कॉल्स डिटेल्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके लोकेशंस, ये सारे उस वेबसाइट ओनर्स के पास जो ये गेम को लॉन्च किए हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, और इसी तरीके से हैकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपके इनसिक्योरिटीज़ वहाँ पे पूरा के पूरा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस टाइम कोई भी सिक्योरिटीज़ में नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कितने बड़े मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो मज़े से खेल का मज़े लेते हैं लेकिन उसके अंदर में छुपे सारे डिटेल्स जो चोरी हो रहा है उससे हम लोग वाकिफ ही नहीं रहते। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये बात ज़रूर देखिए, फिर कभी भी आप ये गेमिंग करें तो उसके पहले इस ऑथेंटिकेशन को चेक कीजिए। अगर इसमें ये सारे ऑथेंटिकेशन वो सारे शेयर्स मांग रहे हैं, वो सारे कॉन्टैक्ट्स को डिटेल्स ले रहे हैं तो कभी मत कीजिए। वो ऑथेंटिकेशन जब आप चेक करते हैं तभी हो जाते हैं आपके डेटा चोरी। तो इसके पहले कि चोरी हो आप सिक्योर हो, मैं तो कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये गेम को आप अवॉइड ही कीजिए क्योंकि ये गेम से ही हो सकता है आपके डेटा चोरी। तो ज़रूरी है कि आप ये गेमिंग मत करें। जैसे भी आप देखेंगे या जितना भी अमीर होंगे वो आप ही होंगे, उसे शेयर करने के लिए और अभी से देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए तीसरे गलती में जाते हैं। तीसरे गलती क्या है? जी हाँ, आजकल बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं और ऐप्स हैं और साइट्स हैं जहाँ पे नेट से आपको 18 प्लस कंटेंट्स और ऐसे कुछ डिटेल्स मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ किस चीज़ के, ये आपको पता चल ही रहा है, लेकिन हाँ ये 18+ कंटेंट्स जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें अक्सर क्या होते हैं, उसमें बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज लॉस होते हैं। किसी को कहना है कि इनकॉन्टिगो की टाइप के कुछ भी साइट्स आप ऑन करके अगर वो आप वेब ब्राउज़र में करके करें तो आप सिक्योर है, नो दोस्तों, आपके आईपी एड्रेस तब भी पता चलता है और उसमें से सारे डिटेल्स पता चल जाता है। तो ये इनसिक्योरिटी से बचने के लिए अगर आपको देखना ही है ऐसे कुछ 18+ कंटेंट, ठीक है, लेकिन यूज़ करें VPN। VPN को आपके इंटरनेट को और भी सिक्योर करते हैं। तो आगे से चल के कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें खोलने हो, देखिएगा आपके मोबाइल में या इंटरनेट में वार्निंग आ ही जाते हैं, फिर भी आप उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ऐसे मत कीजिए। VPN के यूज़ कीजिए, तब कीजिए, तो आपके डेटा रहेंगे सिक्योर एंड सेफ। दोस्तों हैकर्स की दुनिया ऐसे है जहाँ पे बहुत से लोग छाए हुए बैठे हैं। हाँ, आपके एक छोटा मोटा गलती आपको पूरा के पूरा डिटेल्स आप उनके तक दे देंगे। नॉट ओनली दैट, आपके मोबाइल के फ़ोटोज़ में या कोई स्टोरिंग ऑप्शन में हो सकता है आपके कुछ बैंकिंग डिटेल्स, हो सकता है आपके कुछ ATM कार्ड के पिंस या ATM कार्ड के फोटोग्राफ्स। तो ये आप जब भी कुछ भी शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपके इनसिक्योरिटीज़ में आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं आपके स्मार्टफोन इंटरनेट के कनेक्ट होते ही वो भी स्मार्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी उसे यूज़ कीजिए थोड़ा अपने आप को देख के समझ के जानकारी लेके कीजिए ताकि आप सिक्योर एंड सेफ रहें। चलिए शुरू करते हैं और एक गलती के डिटेल्स। ये गलती कब करते हैं, क्या करते हैं, यही सारे बातें अब करते हैं। ये है हमारे पासवर्ड रिलेटेड, ID एंड पासवर्ड रिलेटेड। दोस्तों हम लोग तो बहुत सारे सोशल मीडिया या बहुत से इंटरनेट के कनेक्टेड वेब पेजेस से या एप्लीकेशन से जुड़े हुए रहते हैं। अब एक चीज़ तो सब टाइम सही बात है कि एक पासवर्ड रहे और ID रहे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से पासवर्ड याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं।
तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड को डालते रहते हैं, और कभी भी आपका एक पासवर्ड अगर कहीं से हैक्ड हो गए और क्लिक हो गए तो समझिए आप पूरा के पूरा बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके वही आईडी पासवर्ड सभी जगह में लगा हुआ है। तो दोस्तों आगे से कभी भी अगर आपको आईडी पासवर्ड यूज़ करना है तो हाँ ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको थोड़ा बहुत संभाल के, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, ताकि वो सिक्योर रहे। क्योंकि अगर सेम पासवर्ड आप सभी जगह में डाल रहे हैं और एक जगह से वो हैक हो गए तो वो सब जगह से सबको पता चल जाएगा और आपके सारे डिटेल्स, सब वेबसाइट्स, सभी सोशल मीडिया इनसिक्योरिटीज़ में आ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि इसको सिक्योर करना कितना ज़रूरी है। तो आगे चल के ये गलती मत कीजिए, सेम पासवर्ड रखें लेकिन उसे थोड़ा बहुत तो चेंज ज़रूर करें, ताकि कोई भी इसे जल्दी से जल्दी हैक ना करे। क्योंकि आज के इंटरनेट के ज़माने में कोई नहीं कुछ कह सकता है कि 100% सिक्योर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सिक्योरिटी तब भी हम लोगों को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट गलती के डिटेल डिस्कशन। ये जो गलतियाँ की डिस्कशन चल रहा है उससे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज ज़रूर मिल रहा है और इसको आप यूटिलाइज ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट, हमारे गलती क्या है उसके लिए डिस्कशन। हमारे जो नेक्स्ट गलती है वो है टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन यूज़ ना करना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप बहुत से ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें आप इंटरनेट में कोई काम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हैं वो आपका सिक्योर रहता है मोबाइल फ़ोन के एक कोई कोड से भी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपके हैक अगर हो गए, आपको बिना पता चले ही वो काम करता रहेगा, आपको कोई भी खबर नहीं होगा। इसलिए आज से दोस्तों कोई भी इंटरनेट में काम करना है तो उसके पहले ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर कीजिए, इसे एनेबल। ये अगर एनेबल रहा तो आपके मोबाइल तो आपके पास ही रहता है या कंप्यूटर कोई ना किसी से एक टाइप में आपको पता चल ही जाएगा, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर होंगे। सो अगर आपको ये काम करना है तो ज़रूर और ज़रूर इस ऑथेंटिकेशन को चेक कीजिए। आगे में क्या है, हाँ आपका नेक्स्ट मिस्टेक है लाइव लोकेशन शेयर। ये तो मैं हर एक लड़की को ज़रूर कहूँगी, उसके साथ सभी को कहूँगी कि शेयर मत कीजिए। हो सकता है कोई वेबसाइट में बैठे आपका आपको देखना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये डिटेल लेके कोई इसे मिसयूज़ करना चाहते हैं। और ज़्यादा से लड़कियों के लिए ही ये फैक्टर्स काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, जब भी कोई दोस्तों के साथ गए या कहीं घूमने गए उसके लाइव फोटोज़ या लाइव लोकेशंस शेयर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो पीछे से बैठ के आपको फॉलो कर रहे हैं उनके पास खबर पहुंच रहा है कि आप कहाँ पे हैं, और इससे वो लोग गलत यूज़ कर सकते हैं, उसे आप इनसिक्योर हो सकते हैं। तो दोस्तों हाँ ज़रूर कीजिए, फ़ोटो शेयर कीजिए जहाँ पे है वो बात शेयर कीजिए, लेकिन वहाँ घूम के आने के बाद लाइव शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम लोग कोई भी सोशल मीडिया में ये करते हैं तो जानिए कि ये हम लोग अपना इनसिक्योरिटीज़ खुद अपने आप से चुन रहे हैं। तो इसे आप कॉशियस रहिए और इसे यूज़ करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट गलती है फ्री वाईफाई। कहीं पे भी शॉपिंग मॉल में गए या कहीं पे घूमने गए वहाँ पे लिखा हुआ है फ्री वाईफाई, और आप जाके देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह में पासवर्ड भी नहीं दिया है, और आपको मिलता है मज़ा, क्योंकि आज के ज़माने में सभी फ्री चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग, वहाँ से चलो भाई कनेक्ट कर लेते हैं। आप जब भी कनेक्ट कर रहे हैं वो फ्री, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। हाँ जी हाँ, ये हैकर्स के पते हुए फांद है,
और जिसमें आप पैर रख रहे हैं, आप रख के कह रहे हैं कि आओ मेरे सारे डिटेल्स ले लो। अब जब भी वो फ्री वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं, आपके सारे डिटेल्स, आप जिस भी वेबसाइट में जा रहा है, जो भी चैट कर रहे हैं या कुछ भी, वो सब पता चल रहा है वही वाईफाई देने वाले के पास, और आप हो जा रहा है हैकिंग के शिकार। तो समझ रहे हैं आप, अब उस टाइम बैठ के फ्री वाईफाई से जो भी साइट्स खोल रहे हैं, जो भी आपके आईडी पासवर्ड दे रहे हैं या चैट कर रहे हैं, वो सारे डिटेल पहुंच रहा है किसी और के पास, आपके सिक्योरिटीज पूरा के पूरा बर्बाद हो रहा है। सो हाँ, ज़रूर ज़रूर वाईफाई कीजिए जहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ हो, ऑथेंटिकेट हो, अदरवाइज फ्री वाईफाई के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इनसिक्योर मत बनाएं, ओके? तो चलिए, ये गलती भी आपको पता चल गया। आप बात करते हैं और एक बहुत बड़े आज के ज़माने का यंग जनरेशन के गलती, जिस गलती के शिकार वो हो सकते हैं, वो गलती है ऑनलाइन डेटिंग, BF, गर्लफ्रेंड ऑनलाइन फाइंडिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें हम लोग कैसे फंस सकते हैं? आप लोग देखिए, जब आप ये साइट्स खोल रहे हैं, ये स्केच कर रहे हैं, हाँ ज़रूर आपके वहाँ से डेटिंग कीजिए या BF, GF बनाइए, लेकिन हाँ दोस्तों, जब आप ये बना रहे हैं, चेक कर लीजिए कि वो इंसान या वो औरत सही है या नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं, उसके बाद ही शेयर कीजिए अपना डिटेल्स, क्योंकि बहुत से जगह में ऐसे होते हैं आप लोग कुछ फ्यू इंटीमेट मोमेंट्स या और कुछ शेयर कर देते हैं, और हाँ इससे ही हो जाते हैं गलतियाँ, बाद में उससे ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये सबसे दूर रहिए, और अगर ये चाहिए तो आप फॉलो कीजिए बहुत से सिक्योरिटीज रूल्स, देखिए ऑथेंटिकेशन, देन ओनली वहाँ पे आप पैर रखिए। हाँ, इसी तरीके से आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो चलिए, ये गलती भी आपने जान ली। आज जो जो मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्टेक अक्सर हम लोग करते रहते हैं बिना जाने बिना समझे, तो आगे चल के ये आप मत कीजिए। नेक्स्ट गलती जो है वो बहुत ही वाइटल है, ये मैं अपने सारी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सिक्योरिटी लेके, इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके होता है या व्हाट्सएप सिक्योरिटीज़ को लेके होता है, सभी में यही बात मैं कहती रहती हूँ कि पर्सनल मोमेंट्स एंड पिक शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये मत कीजिए वेबसाइट को या किसी जगह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो भी आप शेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ें अपने सोशल मीडिया में, कोई बैठे हैं जो आपसे जेलस है या आपके कुछ गलत यूज़र्स करना चाहते हैं, तो उसको ये डिटेल जब पता चल रहा है तो उससे मिसयूज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे सिक्योर रहने की एक ही तरकीब हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए सिक्योरिटीज़ को। अपना जो लाइफ मोमेंट्स है या कुछ पर्सनल चीज़ें हैं या अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ हो या अपने आपके कुछ पर्सनल चीज़ें हो, वो आप किसी भी सोशल मीडिया इंटरनेट पे यूज़ मत कीजिए। मुझे लगता है ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली है, आपको अच्छे लगे होंगे, सो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस तो आते ही रहेंगे ना। हाँ, तो हमारे चैनल की ऑफ एडुकेशन जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि वहाँ से आपको मिले सारे ऐसे ही वीडियोस के इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।